मौजूदा वक्त में कोरोना वायरस के खौफ में है पूरा संसार। और अब क्या दुनिया में सबसे शक्तिशाली शख्स में से एक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस वायरस के जद में आ गए हैं। डरिए मत, लेकिन इस सवाल के पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल अमेरिका में शीर्ष राजनीतिक कंजर्वेटिव्स के एक सम्मेलन में शरीक हुआ एक शख्स कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति माइक पेंस भी शामिल हुए थे। वॉशिंगटन के समीप 26 से 29 फरवरी को हुए इस कार्यक्रम में ट्रंप और पेंस के अलावा कई कैबिनेट सदस्य और व्हाइट हाउस के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए थे। कार्यक्रम के आयोजक अमेरिकन कंजर्वेटिव यूनियन ने रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के हवाले से शनिवार को ट्वीट किया कि कोरोना वायरस सम्मेलन से पहले फैला था। न्यू जर्सी के एक अस्पताल ने शख्स की जांच की और पॉजिटिव नतीजे की घोषणा की। इस शख्स को अलग रखा गया है और वो न्यू जर्सी में चिकित्सकीय देखभाल में है। बयान में कहा गया है कि इस शख्स का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से कोई संपर्क नहीं था और वो मुख्य सभागार में कार्यक्रमों में शामिल नहीं हुआ। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनियन के चेयरमैन ने बताया कि उन्होंने कार्यक्रम में संक्रमित व्यक्ति से बातचीत की थी और सम्मेलन के आखिरी दिन मंच पर ट्रंप से हाथ भी मिलाया था। इसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि कोरोना वायरस अब व्हाइट हाउस तक पहुंच गया है तो ट्रंप ने कहा, मैं चिंतित नहीं हूं। कोरोना वायरस के फैलने के बावजूद चुनाव अभियान की रैलियां जारी रहेंगी। आपको बता दें कि कोरोना वायरस का आतंक पूरी दुनिया में फैल चुका है। अभी तक कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 3,550 के पार पहुंच चुकी है।